सो हेलो गाइज, वेलकम आवर चैनल टेक्नो केयर एडिट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सो आपने जो प्रीव्यू अभी भी देखा, उस वीडियो का ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपको भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिट करना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है एकदम डिफरेंट है गाइज, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन और सिक्योर VPN का यूज़ करना पड़ेगा, और दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिक्योर VPN को ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे हमारा VPN ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो VPN है आपके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको मिनिमाइज कर लेना है, और यहाँ से आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे हमारा कैपकट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर प्लस का सिंबल मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे गाइस राइट में आपको फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको 11 इमेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। सो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऐड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा सारा इमेज आ गया, ठीक है। अब इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको 9:16 का फॉर्मेट चूज कर लेना है। एंड इसके बाद गाइज फोटो को फ्रेम में सेट करना है, इस तरह से फोटो पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से दोनों फिंगर से फोटो को फ्रेम में सेट कर लेंगे, ठीक है, सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा इमेज है गाइज फ्रेम में सेट हो चुका है। इसके बाद आपको लास्ट में एक ब्लैक लेयर दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे और यहाँ से बैक करेंगे, और यहाँ पे आपको सिंपली ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको यो साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ से उस वीडियो को चूज करना जिस वीडियो से आप म्यूजिक को एक्सट्रैक्ट करने वाले, तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइज ये रहा हमारा वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ नीचे इंपोर्ट साउंड ओनली का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर प्लस वाला सिंबल जो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो म्यूजिक है ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो म्यूजिक है ऐड हो चुका है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको म्यूजिक लेयर पे इस तरह से क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आपको मैच कट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सिंपली आपको बीट्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 7 सेकंड तक म्यूजिक बीट्स को ऐड करना है, आगे आपको म्यूजिक बीट्स ऐड नहीं करना पड़ेगा। आगे आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको म्यूजिक बीट्स ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम म्यूजिक बीट्स को जल्दी से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 7 सेकंड तक म्यूजिक बीट्स को ऐड कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर लेना, ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, और जहाँ पे आपका फर्स्ट म्यूजिक बीट्स है वहाँ पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको जूम करेंगे सबसे पहले, एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट म्यूजिक बीट्स है, देखिए यहाँ पर गाइस फर्स्ट बीट यहाँ पर है, और इस तरह से म्यूजिक बीट्स पे आएंगे और फोटो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद अगले वाले भाग को इस तरह से डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सारे इमेज को कर लेना, ठीक है। देखिए बीट्स पे आना है इस तरह से, और फोटो पे क्लिक करेंगे और स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगले वाले भाग को डिलीट कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको सारे इमेज को कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से कर लेते हैं। सो यहाँ पे गाइस हमारे सारे इमेज में कट लग चुका है, हमारा जो इमेज हमारे बीट्स से मैच हो गया, देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और इस तरह से जूम करना है, ठीक है। और फर्स्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, और आपको नीचे यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको इन एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक एनिमेशन अप्लाई करना है पजल वाला, ठीक है गाइज। तो यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद आपको सेकेंड इमेज पे क्लिक करना है, और लास्ट में जाना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक एनिमेशन देखने को मिलेगा रॉक हॉरिजॉन्टली का, इसको अप्लाई करेंगे और इसके ड्यूरेशन को कम कर लेंगे, और यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको थर्ड इमेज पे क्लिक करना है, देखिए इस तरह से, और एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कॉम्बो का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट पॉइंट में आना है, देखिए यहाँ पर लास्ट में जाएंगे, और आपको यहाँ पर एक फ़ोटो पर आपको लेफ्ट जूम लगाना है, और सेकेंड वाले इमेज पर आपको राइट जूम लगाना है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फोटो है गाइज, ठीक है, देखिए इस तरह से,
एक इमेज पे आपको लेफ्ट जूम एंड सेकंड वाले इमेज पे आपको राइट जूम इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। तो आगे हम लगा लेते हैं जल्दी से। और इसके बाद जो लास्ट वाला इमेज है गाइज, सो इसके बाद गाइज आपको लास्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर लास्ट में एक उबल का एनिमेशन मिल जाएगा, इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे इमेज पे एनिमेशन अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं आप हमारा जो वीडियो है कुछ चीज़ का बन रहा है। सो इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको लास्ट में आएंगे और आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से 31 इमेज सेलेक्ट करना है गाइज, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा 31 इमेज सेलेक्ट हो गया, इसके बाद आपको ऐड के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा इमेज ऐड हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ से हमने इमेज ऐड करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हम फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और इसको फ्रेम में सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सेट है, सेकंड पे क्लिक करेंगे और इसको फ्रेम में सेट करेंगे इस तरह से, देखिए। और जल्दी जल्दी और सभी को इस तरह से जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा इमेज फ्रेम में सेट हो चुका है, इसके बाद आपको उस पोजीशन पे जाना है जहाँ से हमने इमेज ऐड करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ से इमेज ऐड करना स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद आपको इस फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है जहाँ से आपने इमेज ऐड करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसके बाद इसके ड्यूरेशन को आपको कुछ इस तरह से कम कर लेना है, ठीक है, 0.5 सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वाले इमेज का ड्यूरेशन आपको 0.5 सेकंड कर लेना है। इसके बाद आपको सेकंड वाले इमेज पर क्लिक करना है और इसके ड्यूरेशन को आपको 0.4 सेकंड करना है। थर्ड इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके और इसका भी ड्यूरेशन आपको 0.4 सेकंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे इमेज का ड्यूरेशन 0.4 सेकंड कर लेना, तो यहाँ पे हम जल्दी से कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे सारे इमेज का ड्यूरेशन जो है गाइज 0.4 सेकंड हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको उस पोजीशन पे जाना जहाँ से हमने इमेज को ऐड करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐड करना स्टार्ट किया था, देखिए। सो यहाँ से हमने ऐड करना स्टार्ट किया था इमेज को, ठीक है। तो इस इमेज पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको स्विंग बॉटम वाला जो एनिमेशन है उसे अप्लाई करना सारे इमेज पे गाइज। तो यहाँ से हम अप्लाई कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर है, मिल जाएगा आपको ये वाला गाइज, ठीक है। ये स्विंग बॉटम वाला जो एनिमेशन है सारे इमेज पे आपको अप्लाई कर देना, ठीक। तो यहाँ पे हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारे सारे इमेज पे स्विंग बॉटम वाला जो एनिमेशन था सारे इमेज पे हमारे अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर 22 इमेज और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इमेज ऐड करने के लिए आपको सिंपली इस प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको 22 इमेज सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं। तो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर हमारा जो इमेज है ऐड हो चुका है, इसके बाद आपको इसे फ्रेम में जल्दी से सेट कर लेना है। सो यहाँ पर हमारा जो इमेज है फ्रेम में सेट हो चुका है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइस आपको उस पोजीशन पर जाना जहाँ से हमने इमेज ऐड करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ से हम उस पोजीशन पे जाते हैं। सो यहाँ से हमने इमेज को ऐड करना स्टार्ट किया था गाइस, ठीक है। देखिए इस पोजीशन पे आएंगे 19 सेकंड के ड्यूरेशन पे, ठीक है। और इसका पता कैसे लगाएंगे कि हमने यहाँ से इमेज ऐड करना स्टार्ट किया था, इसके पहले आप आएंगे, देखिए। तो यहाँ पे आपको
इमेज पे एनिमेशन लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा इमेज ऐड हुआ था पहले, ठीक, और यहाँ से हमने आगे इमेज ऐड करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर इस इमेज पे क्लिक करना है और इसके ड्यूरेशन को आपको 1.8 सेकंड रखना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, और इसके बाद आगे वाले सभी इमेज का ड्यूरेशन जो है 0.4 सेकंड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से कर लेते हैं, देखिए इस तरह से इमेज पे क्लिक करेंगे और इसके ड्यूरेशन को आपको 0.4 सेकंड रख लेना है इतना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सारे इमेज का ड्यूरेशन जो है गाइस 0.4 सेकंड हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से उसी पोजीशन पे आना जहाँ से हमने इमेज को ऐड करना स्टार्ट किया था गाइस, ठीक है। देखिए उस पोजीशन पे आएंगे, यहाँ से हमने इमेज को ऐड करना स्टार्ट किया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस फर्स्ट वाली इमेज को छोड़ देना है, यहाँ पर हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर पाँच इमेज दिख जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इन पांचों इमेज पे आपको पेंडुलम 1 एंड पेंडुलम 2 का एनिमेशन लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं जल्दी से, देखिए इस तरह से इस इमेज पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन के ऑप्शन पे जाएंगे और कॉम्बो के एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पेंडुलम 1 खोज लेना है, यहाँ पर है, यहाँ पर पेंडुलम 1 लग गया। एंड इसके बाद सेकेंड वाले इमेज पे पेंडुलम 2 लगाएंगे एंड थर्ड वाले इमेज पे पेंडुलम 1 लगाएंगे फिर से एंड फोर्थ वाले इमेज पे आपको फिर से पेंडुलम 2 लगाना है एंड उसके बाद फाइव वाले इमेज पे आपको पेंडुलम 1 लगा देना है और यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको आगे क्या करना है, इसके बाद गाइस आपको आगे छह इमेज पे स्विंग बॉटम लेफ्ट एंड स्विंग बॉटम राइट का जो एनिमेशन है उसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस इमेज पे क्लिक करना है, एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इन एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर स्विंग बॉटम लेफ्ट को सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये रहा स्विंग बॉटम लेफ्ट एंड अगले वाले इमेज पे आपको स्विंग बॉटम राइट लगाना है। और फिर से अगले वाले इमेज पे आपको फिर से स्विंग बॉटम लेफ्ट लगाना है और फिर से अगले वाले इमेज पे स्विंग बॉटम राइट। तो यहाँ पे हमारे छह इमेज पे स्विंग बॉटम लेफ्ट एंड स्विंग बॉटम राइट एनिमेशन लग चुका है। इसके बाद आपको आगे दोनों इमेज पे पेंडुलम 1 एंड पेंडुलम 2 लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं जल्दी से, इमेज पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कॉम्बो में जाएंगे और यहाँ से पेंडुलम 1 एंड पेंडुलम 2 चूज कर लेंगे। इसके बाद ओके करेंगे। अब इसके बाद गाइस आपको आगे क्या करना है, इसके बाद गाइस आपको सेम प्रोसेस करना है, ठीक है, जो हमने पहले किया था, छह इमेज पे लगाया था स्विंग बॉटम लेफ्ट एंड स्विंग बॉटम राइट। तो यहाँ पे आपको आगे सात इमेज पे स्विंग बॉटम लेफ्ट एंड स्विंग बॉटम राइट का जो एनिमेशन है जल्दी से लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जल्दी से लगा लेते हैं, इमेज पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन के ऑप्शन पे जाएंगे और इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्विंग बॉटम लेफ्ट चूज करेंगे। और फिर से स्विंग बॉटम राइट, स्विंग बॉटम लेफ्ट अब इसके बाद आपको अगले दोनों इमेज पे पेंडुलम 1 एंड पेंडुलम 2 एनिमेशन जल्दी से लगा लेना है। इमेज पे क्लिक करेंगे, कॉम्बो वाले में जाएंगे और यहां से पेंडुलम 1 चूज कर लेंगे एंड सेकंड वाले पे आपको पेंडुलम 2 लगा देना है। सो यहाँ पे गाइज हमारे सारे इमेज पे एनिमेशन यूज हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज जो हमने इमेज छोड़ा था यहाँ पर गाइज देखिए, यहाँ पे हमने एक इमेज को छोड़ दिया था, इस पर एनिमेशन यूज नहीं किया था, यहाँ पे हम इफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस इमेज के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे
और नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पार्टी का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ब्लैक फ्लैश या वाइट फ्लैश चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम ब्लैक फ्लैश यूज कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। और इसके बाद गाइज जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया उसके लेयर को गाइज इस इमेज तक ही रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और यहाँ से आपको फिर से इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लास्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेचर का, इस पर क्लिक करेंगे। देख, और यहाँ पे आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा सॉफ्ट रोज का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज इसके लेयर को पूरा बढ़ा लेना है। ठीक है, इतना से देखिए पूरा बढ़ा लेंगे पूरे वीडियो में। अब इसके बाद गाइज आपको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और यहाँ पे आपको फिर से ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक स्टीम का इफेक्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर लेना है और इसके बाद इसके लेयर को पूरा बढ़ा लेंगे पूरा वीडियो में, जहाँ तक हमारा वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है और यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओवरले का, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक टेम्पलेट वीडियो ऐड करना है, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। सो ये रहा टेम्पलेट वीडियो, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसके म्यूजिक को ऑफ कर लेना है इस तरह से और यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद इसको जूम कर लेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे आपको स्प्लाइस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ से फिल्टर कर लेना है और इसके बाद इसका जो ओपेसिटी है गाइज 50 या 60 के आसपास रख लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आएंगे और इसको इस वीडियो को बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो है कम्प्लीटली बन गया है, आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखा दे रहा हूँ गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज एक मिस्टेक हो गई, देखिए यहाँ पर जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया था स्टीम वाला, यहाँ पर दो बार अप्लाई हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से चेंज इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सॉफ्ट रोज वाला जो इफेक्ट है उसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हम वीडियो को प्ले कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे वीडियो है परफेक्टली चल नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन लैग कर रहा है, इसका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद गाइज आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 60 FPS चूज कर लेना है और यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है सेव हो जाएगा। सो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।